बड़ी खबर आ रही है, सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची है सीबीआई टीम। ये बड़ी खबर आपको ये बता दें कि इससे पहले सीबीआई टीम दो बार जा चुकी है और अब फिर से सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है। सुशांत सिंह राजपूत के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है, अपनी तफ्तीश सीबीआई कर रही है, लगातार सवाल जवाब पूछताछ सभी से हो रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर ये कि सुशांत के बांद्रा वाले हाउस में पहुंची है सीबीआई की टीम। बड़ा सवाल और बड़ी बात ये भी होगी कि अब सीबीआई की टीम वहां से क्या कुछ और अहम जानकारियां लेती है। मुनीश पांडे, क्या समझा जाए, सीबीआई की टीम पहुंची सुशांत के घर? देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक सीबीआई की टीम तो है ही, उसके साथ में सुशांत के परिवार का भी कोई सदस्य है। इस बारे में अभी मैं थोड़ी देर में और जानकारी दे पाऊंगा, लेकिन सुशांत के घर पे सीबीआई की एक बार टीम पहुंचना, इसका मतलब सीबीआई कुछ ऐसे सबूत खंगालने के लिए पहुंची है जो कि अभी तक सीबीआई को नहीं मिल पाए हैं। इसके अलावा अगर सुशांत के परिवार से कोई सदस्य सीबीआई के साथ में मौजूद है तो एक बार फिर से वो परिवार के जरिए समझना चाहेंगे, क्योंकि नीतू सिंह इसमें काफी अहम किरदार हो गई है, क्योंकि नीतू सिंह वो शख्स थी जो कि सुशांत के परिवार से पहली सदस्य थी जो कि सुशांत की मौत के बाद उस घर में पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं सीबीआई अब जानना चाहेगी कि आखिरकार जब वो पहुंची थी तो सुशांत का जो था वो किस अवस्था में था, घर के बाकी लोग कहाँ पर मौजूद थे, और इसके अलावा जब वो वहां पर पहुंची तो जो कपड़े को लेकर सिद्धार्थ पिठानी ने जानकारी दी थी कि उन्होंने खुद चाकू से काटा था। मुनीश, रोक रही हूं आपको, रोक रही हूं, जरा सुनते हैं विकास सिंह क्या कह रहे हैं इसको लेकर। मैं आपको क्लेम करते हैं कि उन्होंने सुशांत का इलाज किया है। मीडिया से बात करने के पहले सुशांत की मेडिकल हिस्ट्री उनके परिवार से पहले डिस्कस कर लें, और परिवार से अगर डिस्कस करने के बाद अगर परिवार से अनुमति मिले तभी उनको इजाजत है उनके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बात करने की। जो ये रिया ने एक एलिगेशन लगाया था कि जब वो एक कोई पेंटिंग देखे वहां पे गोया की इटली में, तो उसके बाद से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। हमारे ऑफिस ने चेक किया है, ऐसी कोई पेंटिंग उस होटल में है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो पेंटिंग जो कह भी रही है वो हो भी, तो वो एक आदमी सैटर्न अपने बच्चे को खा रहा है, और उस सैटर्न के बच्चे के खाने का कोई उसका मेडिकल इफेक्ट नहीं है आज के दिन में। खास करके अगर वो पेंटिंग उसने अगर देखी थी अक्टूबर में, तो उसका कोई भी इससे जो भी हुआ जून में उससे कोई लिंक नहीं बैठता है। और आखिरी बात, रिया के हिसाब से भी जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिसको हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से वो बदलते जा रही हैं स्टेटमेंट, वो सारे हम उसको आगे यूज करेंगे, लेकिन जिस तरह से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके हिसाब से भी सुशांत की मानसिक स्थिति पहली बार खराब अक्टूबर में ही हुई। इसका मतलब कोई भी उनकी मानसिक स्थिति उनके हिसाब से भी पहले नहीं थी। तो ये सारी बातें मेरे को लगा कि ये जरूरी है, क्योंकि ये बहुत से चैनल्स जो है इस तरह के चला रहे हैं। मेरा ये मानना है, मैं इसीलिए किसी चैनल पे नहीं आ रहा हूँ, कि मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपना काम करें। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से ये सब बयानबाजी हो रही है, इसलिए मेरे को लगा कि ये सारी बातें आप लोगों से बात करना जरूरी था। इसी को मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। Yesterday, the arrest that has happened by the Narcotics Control Bureau clearly prove the fear of the family that there was something very, very big that the Mumbai police was wanting to hide. Clearly, there are several angles which are there in this case. One of them has been exposed yesterday. In the FIR registered by the family was not even aware of this drug angle. But only because of an impartial investigation that could be carried out at the instance of the family that this has come out and these arrests have taken place. The family is quite hopeful that very soon, very many more angles also will come out and the whole case will come out. NCB ने arrest किया है, उससे बड़ा clear होता है, बड़ा स्पष्ट होता है कि मुंबई पुलिस क्या-क्या चीज़ छुपाना चाह रही थी। इस एनसीबी के अरेस्ट से ये एक ड्रग एंगल भी निकल के आया है, जो कि परिवार को उसके बारे में पता भी नहीं था और एफआईआर में इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं है। तो इसलिए जो हम शुरू से हमारा जो कहना है कि मुंबई पुलिस का इसमें रवैया बहुत ही संदेहपूर्ण है।